नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में पूजा। जिले में नगरीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग की जा रही है, जिसके साथ ही नगर निगम रीवा के महापौर तथा पार्षद पदों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान के लिए बूथों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान वार्ड क्रमांक 11 के मतदान केंद्र से फर्जी वोटिंग की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि मतदान के दौरान भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के विरोध और जानकारी के बाद मौके पर कलेक्टर मनोज पुष्प पहुंचे और समझाइश दी है। वहीं 100 मीटर के भीतर घुसे कांग्रेसियों को खदेड़ दिया है। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 11 में बीएलओ से मत पर्ची छीन कर खुद ही वितरित की जा रही थी, जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने मामले में दखल देते हुए लोगों को सख्त हिदायत देते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। चैलेंज कर